बोलो, टाइम वेस्ट मत करो। काठमांडू का वार्तालाप और मुरली दोनों बहुत ध्यान से सुनते हैं लोग, इसलिए टाइम वेस्ट ना करो। अभी आपने मुझे बोला रावण और राम आदि से है, रावण और राम आदि से आदि काल से है, सतयुग में था तो हमने कहा बोला आदि काल से है। तुम जबरदस्ती नाक पकड़ ली। अरे आदि काल जो है वो सतयुग और सतयुग के आदि से रावण भी है कि रावण खत्म हो जाता है, ये कैसे बोला जा सकता है कि आदिकाल से रावण है, द्वापर से रावण है। जब द्वैतवादी युग शुरू होता है तब रावण का अस्तित्व शुरू होता है। और बाबा विष्णु मंदिर में रहकर कार्य कर रहे हैं बुद्धि जी, ये बातें सत्य है या सूक्ष्म? मुरली में सूक्ष्म वचन के लिए क्या बताया है? सूक्ष्म वचन कोई चीज है? क्या है सूक्ष्म वचन? है नहीं तो मुरली में सूक्ष्म वचन का नाम क्यों आया? नाम आया या नहीं आया? तो फिर अगर ये कहते हैं सूक्ष्म वचन कुछ है ही नहीं, सूक्ष्म वचन क्या होता है? कुछ भी नहीं, सूक्ष्म वचन होता ही नहीं। तो बाबा क्या कहना चाहते हैं? यह दो बातें करते हैं कि सूक्ष्म वतन है और सूक्ष्म वतन नहीं है। हाँ, जो संकल्पों की स्टेज है आत्मा की वो ही सूक्ष्म वतन है, जिसमें शरीर भूल जाता है, देह भूल जाती है, देह के संबंध भूल जाते हैं, देह के पदार्थ भूल जाते हैं, देह की दुनिया ही भूल जाती है। या तो नई दुनिया स्वर्ग याद आए, नई दुनिया स्वर्ग की प्लानिंग याद आए, नई दुनिया स्वर्ग का नक्शा याद आए, नई दुनिया कैसे बने वो तरीका याद आए, सेवा याद आए, या तो ज्ञान की बातें याद आए, दूसरों की सेवा कैसे करनी है वो बातें याद आए, बाकी देह और देह की दुनिया से संबंधित सब बातें क्या हो भूल जाए, उसको कहते हैं सूक्ष्म वतन। स्टेज है ये मन की। और बाबा, हाँ, बाबा ने मुरली में लक्ष्मी नारायण के बारे में दो तरह से बोला है, एक जग में बोला है ये लक्ष्मी नारायण बुद्ध है इनको कोई ज्ञान नहीं, दूसरी तरफ बोला है मुरली में बोला है ये लक्ष्मी नारायण समझदार है तब तो विश्व को मालिक बनते है। इसमें पूछना क्या है? ये बात झूठ है। हाँ, दोनों बातें सही कैसे हो सकती है? या तो लक्ष्मी नारायण बुद्धू है या तो लक्ष्मी नारायण समझदार है, बुद्धिमान है। संगम युग में लक्ष्मी नारायण समझदार, तो संगम युग में लक्ष्मी नारायण समझदार है, वो कौन है? वो नरसे नारायण, जो नर से डायरेक्ट नारायण बनने का पुरुषार्थ संपन्न कर लेते हैं इसी जीवन में, वो बुद्धिमान है। और जो इतनी बुद्धि नहीं है कि इसी जीवन में नर से नारायण बन जाएं, लेकिन पुरुषार्थ तो करते हैं और सच्चाई से पुरुषार्थ करते हैं, और जितना समझते हैं उतनी सच्चाई से पुरुषार्थ भी करते हैं। भले सेकेंड ग्रेड का पुरुषार्थ होता है, गहराई से नहीं समझते हैं, तो गहराई का जितना ऊंचा पद होना चाहिए उतना ऊंचा पद उनको नहीं मिलता, माने इस जीवन में वो नर से नारायण नहीं बनते हैं, वो नर से पहले प्रिंस बनेंगे और प्रिंस बन करके फिर नारायण बनेंगे, वो बुद्धू है। क्योंकि इसी जीवन में प्राप्ति नहीं की भगवान से, उन्होंने प्राप्ति किससे की? उन्होंने भगवान से प्राप्ति की सतयुग में जाकर के, पहला पत्ता बनेंगे कृष्ण बनेंगे, कृष्ण के बाद फिर विश्व की सत्यों की बादशाही मिलेगी, तो बादशाही किससे मिलेगी उनको? नारायण से मिलेगी, तो भगवान से तो नहीं मिली, इसलिए वो थोड़ा बुद्धू बने का काम हो गया। प्राप्ति ही करनी है
तो ऊंचते ऊंच बाप से प्राप्ति करनी चाहिए या नंबरवार जो बाप होते हैं दुनिया में उनसे करनी चाहिए? ऊंचते ऊंचे बाप से प्राप्ति करनी चाहिए। ऊंचते ऊंचे बाप वो ही है जिसको दुनिया की सभी धर्म पिताएं अपना बाप मान लेते हैं। एडम को तो सब मानते हैं, वो ही सभी धर्म पिताओं का बाप है। और बाबा शंकर ने जो सती देवी का लाश है उसको उठा के पूरे संसार में भ्रमण कर रहे हैं ऐसा कि इसका अर्थ क्या? शंकर में और शिव में अंतर है या नहीं है? हैं? क्या अंतर है? शिव निराकार है, शंकर शिव सदैव एवर प्योर है और शंकर सदैव एवर प्योर नहीं है। तो जब सदैव एवर प्योर नहीं है तो कोई ऐसी स्टेज भी तो तामसी आती होगी जिसमें उनका मोह साबित हो जाए, देह के प्रति मोह साबित हुआ कि नहीं हुआ इस बात में जो आपने बोली? देह के प्रति मोह साबित हो गया। ये देह के प्रति जो मोह साबित हुआ यही शंकर का पार्ट है, तामसी पार्ट है, इसे सात्विक पार्ट नहीं कहेंगे। परंतु क्योंकि उनके तन में सुप्रीम सोल विराजमान होता है इसलिए वो जो भी काम करेंगे उसमें सच्चाई भरी हुई होगी या झूठ होगा तो उसमें भी शक्ति भरी रहती है। भले वो सड़ सड़ करके वो खंड टुक टुक होकर के गिरते हैं लेकिन वो विनाशी चीज नहीं है, वो भी अविनाशी पीठ बन जाते हैं। और शिव बाबा आती है बोला है। कौन बोला? ब्रह्म कुमारी बोलती है। शिव बाबा नहीं ब्रह्मा बाबा आती है तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा अभी कहाँ रहती है? कितने बच्चे हैं उनमें प्रवेश नहीं कर सकती वो आत्मा? शिव की आत्मा बच्चों में प्रवेश करती है बहुत बच्चों में या मम्मा बाबा की आत्मा बहुत बच्चों में प्रवेश करती है? बाप दादा ढेर के ढेर बच्चों में प्रवेश करते हैं लेकिन शिव सिर्फ एक ही मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं। तो ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी में नहीं आएगी तो दूसरे बच्चों में आएगी, दूसरे बच्चों में नहीं आएगी तो कम से कम जो दूसरे बच्चों में से मुख्य बच्चा है शिव बाबा का उसमें प्रवेश नहीं कर सकती, नहीं कर सकती करती है। हमेशा थोड़ा ही आते, हमेशा आते हैं क्या? हेलो, कहीं कहीं पूरे सीजन में पूरे साल में ज्यादा 10-20-50 बार आते हैं बस, इससे ज्यादा नहीं। बाकी कहाँ रहते हैं? बच्चों में प्रवेश करके सेवा करते हैं। सेवा हम बच्चे करते हैं या बाप दादा करते हैं? हैं? बाप दादा सेवा करते हैं, हम बच्चे तो तमो प्रधान है, हम तमो प्रधान, तमो प्रधानता को अपनी तमो प्रधानता की लौ लगी रहेगी या हम सेवा करेंगे सतो प्रधान? और सेवा करेंगे भी तो तामसी सेवा करेंगे या सात्विकी सेवा करेंगे? तामसी सेवा करते हैं। और बाबा मांगने से मरना भला कहते हैं वो तो ठीक है मगर कार्य संचालन के लिए तो है? कार्य संचालन के लिए ब्राह्मण परिवार के अंडर में ये रहकर संगठन चलाने के लिए अपना इच्छा से सेवा कर सकते हैं या नहीं? अपनी इच्छा से सेवा करें, उसे मांगना थोड़ी हुआ। दान देना चाहे सेवा का दान देना, तन से सेवा करना वो तन का दान हुआ, धन से सेवा करना धन का दान हुआ, मन से सेवा करना मन की संकल्प शक्ति का दान हुआ, ये क्या मांगने से मिलते हैं? नहीं, जिसे करना है वो खुद ही करे। दान के लिए मांगने की क्या दरकार? जो मांग करके दान दिया जाता है लिया जाता है
वो तमो प्रधान रजो प्रधान दान है या सतो प्रधान दान है? है तमो प्रधान या रजो प्रधान हो सकता है, लेकिन सतो प्रधान दान नहीं होगा। इसलिए एडवांस में जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं और बीके में जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, दोनों के मुकाबले में कौन सा वर्ग ऐसा है जो तमो प्रधान दुनिया में जाकर के राजा बनेंगे, सतो प्रधान दुनिया में राजा नहीं बनेंगे? बताओ कौन है? हैं? तमो प्रधान आत्मा है, बीज रूप आत्मा है, द्वापर कलयुग में जाकर राजा बनेंगे तमो प्रधान रजो प्रधान दुनिया में? हाँ, बेसिक वालों में दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं भरी पड़ी हैं। जो देवी देवता साथ बन के पक्के सूर्यवंशी हैं, वो तो नंबर वार जल्दी जल्दी आते चले जा रहे हैं। कहाँ? एडवांस में। उनको तो खास यही बात सिखाई जाती है कि मांगने से मरना भला। और शास्त्र में कहा जाए कि देवता और दैत्य दुसागर मंथन के बाद अमृत निकला और एक दानव ने देवता पंक्ति में जाकर अमृत किया, तब भगवान ने सुदर्शन चक्र द्वारा छिड़काव किया तो राव केतु हो गया। इसका व्यास का अर्थ क्या? अभी सागर मंथन तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हैं? सागर मंथन चल रहा है और उसमें से विष निकल पड़ा है या अभी अंदर ही है? हैं? विष निकल के बाहर आ गया है या अंदर ही रखा हुआ है? निकल रहा है। हाँ, निकल रहा है। और उस विष को एक ने पीने की जिम्मेवारी ले ली है या अभी नहीं ली है? वो जिम्मेवारी भी एक ने ले ली है। माने जो रतन पहला है तो वो रतन अगर कोई उसकी जिम्मेवारी ले सके तो क्या है? रतन पहला रतन क्या हुआ? विष है वो रतन। जैसे हीरा होता है तो क्या होता है? हीरा चाटने से आदमी मर जाता है या जिंदा रहता है? तो विष है या अमृत है? विष है। तो शिव बाप आकर के वो विष चाट लेते हैं, उसका नाम निशान खत्म कर देते हैं, विषय विकारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। वो पहला रतन है विष, उसके बाद नंबर वार ढेर सारे रतन निकलते हैं। 14 रतन दिखाए हैं वहां, तो आखिरी रतन क्या निकला? अमृत निकला। अमृत माने ज्ञान का क्या निकला? सार निकला। अमृत माने सार निकला। क्या सार निकला? क्या सार निकला? देवताएं जो हैं सतयुग त्रेता में सार में टिकते हैं या ज्ञान के विस्तार में टिकते हैं? तो क्या सार निकला? हैं? मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं। तो देवताओं ने वो उनको तो रस पिलाया गया, ज्ञान रस लक्ष्मी ने पिलाया। अभी लक्ष्मी निकली है? हाँ, अभी तो पिलाने वाली ही नहीं निकली है, तो उसका जवाब निकलेगा? अब जब निकल आए तो पता चले कि वो असुर कौन है जो घुस करके सारा अमृत पीछे से पी लेता है। बस पता लग जाता है, सूरज और चंद्रमा बताए देते हैं कि देखो ये असुर घुस गया, इसने पी लिया, तो उसका गला काटा जाता है। अभी तो शूटिंग चल रही है, अभी खत्म तो नहीं हो गई है। और पीछे आवाज आ रही है। हाँ, हम लोग को सुनता नहीं है। आगे जगह दे दो, बूढ़ी हो गई, शरीर ज्यादा मोटा ताजा हो गया। हाँ हाँ,
ब्रह्म भोजन है तो और बेहद में क्या है? ब्रह्मा का भोजन, ब्रह्मा भोजन माने ब्रह्मा का भोजन, ब्रह्मा का भंडारा प्रसिद्ध है या ब्रह्मा का भोजन प्रसिद्ध है? और भंडारा किसका प्रसिद्ध है? शिव बाबा का भंडारा प्रसिद्ध है। शिव बाबा के भंडारे के लिए भी गायन है क्या? शिव बाबा का भंडारा भरपूर कालकंटक दूर, पक्का निश्चय है या नहीं है? हा? जिनको निश्चय है उनको अहंकार नहीं आता है कि हमने इतना दिया, दे या न दे तो भी ये भंडारा भरपूर रहेगा। और जितना भी भंडारा है वो भंडारा सारा का सारा चाहे तो गोल्डन फॉरेस्ट कंपनी में जमा कर दिया जाए, सूखी रोटी दाल चावल खाने के बाद बचेगा कि नहीं बचेगा? वो सारा का सारा भंडारा जीएफएल में जमा कर दिया जाए और जीएफएल कंपनी ध्वस्त हो जाए तो भी भंडारा भरपूर रहेगा या नहीं रहेगा? जीएफएल कंपनी से जमीन जायदाद मिल गई, पैसा तो नहीं मिला, डूब गया सारा। वो जमीन जायदाद भी बाद में कोर्ट ने सारी हड़प ली, जो 140 माताओं के नाम खरीदी गई थी सारी की सारी अपने हाथ में ले ली। अब कोर्ट वोट में तो लड़ाई चलती है लंबी लंबी, सालों साल लड़ाई चलती है। लड़ाई चलने के बाद भी ओ ढका हुए के तीन पात उनके अंदर तो चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि वो जमीन तो अब आसमान के दाम छू रही है, वो करोड़ों की जमीन हो गई। तो जो करोड़ों की जमीन हो गई है उसमें तो फिर आपस में हिस्सा चलता है, प्रूफ नहीं दिया जा सकता इन बातों का, लेकिन हिस्सा तो चलता है ना कि भाई 150 करोड़ की बिकती है तो हम 50 करोड़ की दिखाएंगे कागजों में और 100 करोड़ आपस में मुंह चुप रखना बोलना। तो कुछ भी हो जाए मतलब, लेकिन सेवा का भंडारा भरपूर रहेगा और कालकंटक दूर रहेगा। धन के आधार पर कोई कमी यज्ञ में नहीं आ सकती। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा का भोजन, ब्रह्मा यज्ञ की अम्मा है या अम्मा का भोजन होता है या बप्पा का भोजन होता है? अम्मा का भोजन होता है। रामायण में कौन सा रसोईया प्रसिद्ध है? सीता रसोई प्रसिद्ध है। जो सीता वाली आत्मा है वो ही प्रैक्टिकल में जगदम्बा है। कौन है सीता वाली आत्मा? कौन है? जगदम्बा। तो जो जगदम्बा है उसकी रसोई प्रसिद्ध है द्रौपदी की। क्या प्रसिद्ध है उसमें? द्रौपदी का हांडा चौथाई भी बचे तिनका साग का तो भी वो भरपूर रहेगा। तो ब्रह्मा का भोजन जैसे प्रसिद्ध है वो जन्म जन्मांतर की आत्मा की तृप्ति करने वाला है। घर में भोजन बनाएंगे वो ब्रह्मा भोजन नहीं है। वो ही भोजन गीता पाठशाला में खाएंगे कि बाबा के घर का है या मिनी मधुबन में जाकर के खाएंगे तो बुद्धि में आएगा कि ये बाबा के घर का है, ब्रह्मा भोजन है। तो उसमें भावना भर जाती है, वो भावना जन्म जन्मांतर फलदायी है, बुद्धि को शुद्ध करेगी। मन शुद्ध है तन भी शुद्ध है, दो ही चीजें खास देखी जाती हैं पुरुषार्थी जीवन में, अन्न दोष और संग दोष। संगठन में बैठेंगे, ब्राह्मणों के संगठन में आना जाना करेंगे तो ब्रह्मा भोजन मिलेगा। दुनिया के संग दोष से भी बचेंगे और अन्न दोष से भी बचेंगे। तो ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है और ये ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तरसते हैं। अब बताओ कौन से देवताएं हैं जो तरसते हैं?
ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा बाबा जैसी आत्माएं जिन्होंने ब्राह्मण जीवन में शरीर छोड़ दिया बेसिक नॉलेज लेते लेते, वो अभी तरस रही हैं कि वास्तव में असली ब्रह्मा कौन है जिसके द्वारा स्वर्ग की स्थापना होती है। वो जगदम्बा जो आदि ब्रह्मा है, जिसका भंडारा अभी भी चल रहा है, ये घर का जो भंडारा भरपूर होता है, ये क्या नाम, ब्रह्मा भोजन जो भरपूर होता है रसोई में, वो कन्याओं माताओं की बात है या भाइयों की बात है? कन्याओं माताओं की बात है। तो कन्याओं माताओं के द्वारा वो भंडारा चल रहा है, इसके प्रति बहुत भावना होनी चाहिए। भले सूखी रोटी दाल चावल मिले, इसकी अभी वैल्यू नहीं दिखाई पड़ रही है, कब पड़ेगी दिखाई? जब ताबड़तोड़ दुनिया में विनाश होगा, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि नोटों की गड्डियां सड़क पर पड़ी रहेंगी और लोग उन गड्डियों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, रोटी के लिए चिल्ला देंगे, दाने दाने के लिए मोहताज होंगे, पानी की बूंद नहीं मिलेगी, ऐसा अकाल पड़ेगा, अनाज पैदा ही नहीं होगा। अभी भी दुनिया में सारी दुनिया के लोग जो है पढ़े लिखे ना पढ़े लिखे अनाज पैदा करने के पीछे लगे हैं या कल कारखाने बनाने के पीछे पड़े हैं? अनाज की कीमत बहुत कम, बहुत बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि स्टॉक बहुत कम हो गया है। लेकिन कितना भी स्टॉक दुनिया के अंदर कम हो जाए, बाबा के बच्चों को जो जगन्नाथ भंडारा प्रसिद्ध है, जगन्नाथ में क्या प्रसिद्ध है? चावल, कढ़ी चावल और चावल, वो जरूर मिलेगा। और जब चारों तरफ भुखमरी पहली हुई हो, उस भुखमरी के बीच में कढ़ी और चावल भी किसी लोगों को मिलता रहे, तो ये कम बात है क्या? 56 प्रकार के भोग नहीं मिलेंगे जो ब्रह्मा कुमारी में भी मिल रहे हैं, जो खाने के लिए बड़े बड़े आदमी मल्टी मिलियनायर आराम से पहुंच जाते हैं। तो ब्रह्मा भोजन की अभी महिमा नहीं है, अभी उतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन आगे चलकर बहुत वैल्यू हो जाएगी। और बाबा, बूढ़ी माता जी बहुत बूढ़ी है, वो भट्टी भी करने के लिए जा नहीं सकती और क्लास भी नहीं करती, मतलब कि वो मुरली सुंदर ज्ञान भी कुछ समझ नहीं पाती है, लेकिन वो चाहती है कि कुछ पैसे बाबा की सेवा में लगाएं, तो इस सेवा में लगेगा नहीं लगेगा? किसके द्वारा? आपके द्वारा जी, या गीता पाठशाला के द्वारा जी? तो गीता पाठशाला वालों का ये भी तो फर्ज है कि उनके घर में जा करके उनको मुरली सुनाने का प्रबंध करें। गीता पाठशाला के पास ही रहते हैं, लेकिन बिल्कुल समझ नहीं पाती हैं। मशीन तो कानों में लगवाई जा सकती है। जो पैसे से वो सेवा करना चाहती हैं, वो पैसे को पहले तो उनकी आत्मा का कल्याण करने के लिए मशीन तो खरीद के दे दो, नहीं चलेगा है? वो काम तो समझ नहीं पाती, समझ नहीं पाती, क्या नहीं समझ पाती? हिंदी की बात, हिंदी नहीं समझ पाती। तो नेपाली में गीता पाठशाला किस लिए खोली जाती है? नेपाली में बोलेंगे तो वो भी फिर अच्छी तरह समझ नहीं पाती है, मतलब उनको, मतलब दिमाग है ना थोड़ा काम नहीं करता, उनका ये प्रेशर हाई हुआ था, उनका दिमाग में असर पड़ा था, इसलिए उनको कुछ समझ भी नहीं आता। मुरली सुनने से प्रेशर बढ़ता है या घटता है? ये तो आप झूठी बात कहते हैं। ज्ञान में चलने वाली आत्मा, उसको मुरली के दो शब्द भी सुनने को मिलेंगे तो खुश हो जाती है, ब्लड प्रेशर चढ़ा हुआ भी होगा तो भी डाउन हो जाता है। वो टीवी के सामने तो बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि आप करना नहीं चाहते, नहीं नहीं, आप करके देखिए हैं, उस आत्मा का पहले कल्याण करिए, वो आत्मा रोज मुरली सुने, आपके पड़ोस में रहती है, सहज बात है, उसको अनुवाद करके सुनाइए, थोड़ा तो सुनाइए, दो चार लाइन सुनाइए, ज्यादा नहीं। तो अभी लगेगा नहीं लगेगा वो सेवा? एक बात पक्की समझ लो, हरे शिष्य धन शोक न हरई, क्या कहा है? नहीं समझे? शिष्य का धन ले ले, लेकिन उसका शोक उसका दुख ना हरण करे, दुख ना लेवे, ऐसा गुरु घोर नरक में जाके गिरता है।
इसलिए चाहे गीता पाठशाला वाले हो, चाहे मिनी मधुन वाले हो, या कोई भी सेवादारी हो, कोई से पैसा बड़े सोच समझ करके लेना है। स्वर्ग की स्थापना करनी है तो पैसा भी अव्वल नंबर का लगाना है या थर्ड क्लास पैसा लगाना है? अव्वल नंबर का पैसा लगाना है। और बाबा हाँ, भक्ति मार्ग में नौ योगेश्वर का हटे हैं। हाँ जी, ज्ञान मार्ग में वो कौन कौन है बाबा? ये अष्टदेव और नौ नवग्रह क्या है? ये जो नवग्रह जिनका पूजन होता है नौ ग्रहों का, अष्टदेव जिनके मंदिर बनते हैं, ये कौन है? ये योगी हैं या भोगी हैं? इनका गायन है, दूसरों का गायन थोड़े ही कोई। बाबा दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम था मूर्ति। हाँ जी, मूर्ति। हाँ, वो धर्म की पत्नी थी। हाँ, उसके गर्भ से नर नारायण का रूप में अवतार लिया। हाँ ठीक है, तो अब आप पूछना क्या चाहते हैं? वो नर नारायण धर्म की पत्नी कौन? नर नारायण धर्म की पत्नी कौन? धर्म की पत्नी की नर नारायण कैसे जन्मे, कौन है ज्ञान मार्ग में? ये पॉइंट जो है कि कौन क्या है, ये पॉइंट बाबा नहीं बताते हैं। सुनो, बाबा ये नहीं बताते हैं किसका पार्ट क्या है। ये तो बाबा सिर्फ फार्मूला बताते हैं आपको, जैसे बीजगणित में रेखागणित में फार्मूले होते हैं कि वो फार्मूले लगाते जाओ और रिजल्ट निकलता गए, ऐसे ही आपको फार्मूले बताए हुए हैं, वो मनन चिंतन मंथन करके फार्मूले लगाते जाओ और पार्ट को क्लियर करते जाओ। पहले अपना पार्ट क्लियर करना है, फिर अपना और अपने बाप का पार्ट क्लियर होने के बाद फिर ढेर सारे पार्ट स्वतः ही क्लियर होते रहेंगे। ये पूछना नहीं है ये पार्ट किसका है, वो पार्ट किसका है। अच्छा, धर्मराज वो भी एक पार्ट तो है, अष्टदेवों में से धर्मराज भी है। क्या कुबेर है, वो भी पार्ट है। नारायण है, वो भी पार्ट है। ये तो बात है, लेकिन धर्मराज वास्तव में धर्म का राजा है कौन, आप बताइए, आपको पता है कि धर्मराज कौन है? धर्म माने धारणा, ब्रह्मा बाबा धारणाओं का राजा है। अब धारणाओं का राजा जो ब्रह्मा बाबा है, उस ब्रह्मा बाबा से राम वाली आत्मा जन्म लेती है कि नहीं लेती है? ब्रह्मा का बच्चा बनती है कि नहीं? पहला ब्रह्मा कुमार बनती है कि नहीं है? सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, चार में जो सनत कुमार जिसे सनातन धर्म की स्थापना होती है, वो ब्रह्मा का ही तो पुत्र है, तो नारायण बनता है कि नहीं? नारायण किसका पुत्र है? धर्मराज का पुत्र है। और भक्तिपूर्ण बेहद में किस स्वरूप को करते हैं? भक्ति भक्तिपूर्ण हो जाए उसकी स्वरूप को करते हैं। हाँ, भक्तिपूर्ण तब हो जाए जब भक्ति मार्ग का कोई अंश दिखाई न दे पुरुषार्थी जीवन में, एक भी अंश मात्र भी अगर भक्ति मार्ग का अंश दिखाई देता है, कोई पूछे ये तुमने अंश क्यों छोड़ दिया, तो जवाब नहीं आए हमने क्यों छोड़ दिया। हर बात का कारण कार्य होना चाहिए कि नहीं? बिना कारण के कोई कार्य करना चाहिए कि नहीं है? कारण बताओ, ये काम क्यों किया, तो कारण बताएं इसलिए किया। जैसे बताओ तो बोले, ना बताओ तो ना बोले है, क्योंकि माताओं ने प्रश्न पूछा है ना, इसलिए माताओं को ही बता दें। माताओं से कोई पूछे, कोई भी माता से, आपने ये बाल इतने लंबे लंबे क्यों रखाए हैं, तो क्या जवाब देंगे? हैं? क्या जवाब देंगे? श्रृंगार के लिए।
श्रृंगार किसके लिए करना है? ये देह का श्रृंगार किसके लिए करना है? कौन चाहता है आपका देह का श्रृंगार? अरे बोला बता तो दे, कोई शिव बाबा कोई मारपीट थोड़ा ही करता है। हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए। दुनिया, अच्छा दुनिया को प्रसन्न करना है। ये अभी तक हमने ये सुना था कि भारतवर्ष में भारतवर्ष की कन्याएं माताएं ललनाएं श्रृंगार करती हैं अपने पति को प्रसन्न करने के लिए। अब क्या जवाब आया? ये दिखावा क्रिश्चियन करते हैं या भारतवासी करते हैं? हैं? क्रिश्चियन लोग दिखावा करते हैं, हम क्रिश्चियन तो नहीं हैं, हम क्यों दिखावा करें दुनिया वालों को दिखाने के लिए? तो कोई भी अंश मात्र भी कोई निशानी अगर देखने में आती है और वो निशानी ये साबित करती है कि ये भक्ति मार्ग है, अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, तो समझ लो कि भक्ति अभी चालू है, भक्ति अभी खत्म नहीं हुई। है तो बड़ी मुसीबत हो गई। ज्ञानी तू आत्मा किस स्वरूप में कहेंगे? पूर्ण ज्ञानी तू आत्मा किस स्वरूप में कहेंगे? अभी तो बता दिया, भक्ति मार्ग का कोई अंश देखने में ना आए तो कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। माताओं में ज्यादा है बाबा भक्ति, क्यों? पिताओं में नहीं है? हाँ, पिताओं में कम है। ज्ञान कहता है दुर्योधन दुशासन बनो, कहता है? हाँ, नहीं कहता है। फिर बनते हैं कि नहीं? तो फिर कहना कुछ और कि हम ज्ञानी हैं और करना कुछ है और, ये भक्ति मार्ग की निशानी नहीं है? ज्ञानी माने जो कहे सो करके दिखाए। लो, माताओं ने बाइयों की पिटाई करवा दी। धर्मराज की सजा कैसी और कब होती है? धर्मराज सजा कब होती है जब रिजल्ट निकलते जावेंगे और रिजल्ट निकलने से पहले धर्मराज सजा महसूस करते जावेंगे, एक सेकंड में वर्षों की जन्म जन्मांतर की सजा महसूस करेंगे। जैसे कोई दुख का बहुत भारी टाइम पड़ता है ना, तो एक एक सेकंड व्यतीत करना मुश्किल हो जाता है, ऐसे ही अनुभव होगा। बाबा, जैसे ब्राह्मण की दुनिया में जो जी के बच्चे हैं, वो वहाँ जो तन मन धन लगा रहे हैं, तन मन धन है, एक के लिए लगा रहे हैं या भांति भांति के मनुष्यों के लिए लगा रहे हैं? तो रावण के लिए लगा रहे हैं या राम के लिए लगा रहे हैं? रावण के लिए लगा रहे हैं। सफल होता है नहीं होता? फिर वो बात, रावण के लिए, रावण के लिए कोई धन लगाएगा, रावण के हित में धन लगाएगा तो सफल होगा, इसका मतलब आप सफल कर रहे हैं। फिर बाबा वहाँ भंडारी रखते हैं ना? फिर वही बात, वो भंडारी मुरली में बोली है कि भंडारी रखो, मुरली में बोला है कि वो क्या नाम, अल्मोनियम का कटोरा लेकर के दरवाजे पर लगा दो कि जो आए सो उसमें डालते रहो। बाबा उसमें भी जो डाल के सीधा बहन जी के बीच का हाथ में देते हैं, उनके बीच में क्या ऐसा बन रहा है? अरे 20 बातों की एक बात अभी तुम्हें बता दी ना, जो एक शिव बाबा को देते हैं वो तो है ज्ञान मार्ग, और कोई को भी देते हैं वो है अज्ञान मार्ग। तो कर्मों की गति क्या बनती है उनकी? बस यही बनती है, लेके खा जाते हैं और फिर दास दासी बनते रहेंगे। शिव बाबा भंडारे में जमा हुआ? शिव बाबा जिस कार्य को, जिस धन को लेकर के स्वर्ग स्थापन करता है उस भंडारे में गया नहीं गया? भोजन बनती है उसमें, बहुत भोजन बच जाती है बाबा,
उसको ट्रैक्टर में डाल के खेती में ले जाकर डालते हैं, उसका क्या हिसाब एकदम बर्बाद तो नहीं करते हैं खेती में मना डाले जानवरों की जो खाद बनती है गोबर की उस खाद में डाल दें सड़ जाए तब भी तो कुछ कल्याण ही होता है कल्याण आप क्यों चिंतन करते हैं इतना है? आप अपने घर में देखो कि हमारे घर में जो ब्रह्मा भोजन बनता है वो बर्बाद तो नहीं होता है पर चिंतन पतन की जड़ हमारे ब्राह्मण परिवार में तो ऐसा नहीं हो रहा है और बाबा राजा वीरेंद्र के साथ पूरे परिवार है राजा वीरेंद्र नेपाल के राजा वीरेंद्र थे उनके पूरे परिवार के साथ एक साथ मौत हो गई ऐसा क्यों बाबा ऐसा गुरु जनों का हिसाब था कि अभी इनका कारण कौन से समय में मौत हुई थी है? अरे कुछ याद है कि नहीं किसी को नहीं याद है दो हजार एक में राजा महाराजा वीरेंद्र के साथ उनके सारे परिवार की मौत के घाट उतार दिया गया है ना अब बेहद में आ जाओ बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में जो रुद्रमाला की शूटिंग हो रही थी वो चौथी अवस्था की शूटिंग हो रही थी या नहीं हो रही थी वो चौथी अवस्था की शूटिंग कौन से सन से शुरू हुई 2000 से शुरू हुई जब 2000 से वो शूटिंग शुरू हुई तो शूटिंग शुरू होने के बाद जो राम वाली आत्मा यज्ञ के आदि में स्थिति थी और सन 76 में जो स्थिति थी बैगर टू प्रिंस उस स्टेज पर आ गई या नहीं आ गई सन 76 में भी सड़कों पर थी और 2000 के बाद भी सड़कों पे आ गई तो आप मुए मर गई दुनिया हुई या नहीं हुआ जो भी एडवांस का ब्राह्मण परिवार था सबको नंबर 12 निश्चय पैदा हो गया हुआ या नहीं हुआ यहाँ तक कि जो सरेंडर्ड बहने थी वो भी बाबा का आश्रम छोड़ करके चली गई भले 3 दिन के लिए गई फिर वापस आ गई लेकिन अनिश्चय बुद्धि तो बने निश्चय होता कि हम बाबा का घर है या हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता वो तो नहीं हुआ तो पूरे परिवार की मौत हो गई कि नहीं हो गई और बाबा सत्युगमा पशु पंछी सत्युग पशु पंछी बोट बिरुआ सृष्टि कैसे होगा अच्छे अच्छे पहले होगा बाद में नंबर बार फिर बाद में होगा जैसे सत्युग में अच्छे अच्छे मनुष्य आत्माएं रह जाएंगी या खराब भी रह जाएंगी अभी तो बता रहे हैं जो मनुष्य रह जाएंगे वो अच्छे वाली मनुष्य आत्मा रह जाएंगी कि सब तरह की मनुष्य आत्मा रह जाएंगी अच्छी वाली रह जाएंगी ऐसे ही जो और प्राणी हैं उन प्राणी में जो सात्विक प्राणी हैं वो रह जाएंगे बाकी सब खलास हो जाएंगे जो सुखदाई है सो रहेंगे और दुखदाई खलास हो जाएंगे जैसे मनुष्य हैं आज खूंखार हैं राक्षस हैं लेकिन अगर ईश्वरीय ज्ञान लेते हैं तो ईश्वरीय ज्ञान लेने के बाद मनुष्य से क्या राक्षस से क्या बन जाएंगे देवता बन जाएंगे ऐसे ही हो सकता है कि वहां भी ऐसे वन्य प्राणी हो जो अपना खूंखारपन छोड़ देंगे शेर और बकरी इकट्ठे जल पिए एक घाट पर और सत्युग में तो सभी श्रेष्ठ आत्माएं जाएगी ना हाँ? लेकिन बाबा कौन सी आत्मा दास दासी बनती है समझे नहीं एक परिवार होता है परिवार में 6-7 बच्चे पैदा हुए 6-7 बच्चों की 6-7 बहुएं हैं उन बहुओं से
सात या चौदह या इक्कीस बच्चे पैदा हुए सबसे अलग अलग। तो जो बड़ा बच्चा है परिवार में, जो बड़ा बच्चा पैदा होता है जिठौत, उसको ज्यादा मान्यता देते हैं या दूसरे बच्चों को ज्यादा मान्यता देते हैं? उसको ज्यादा। तो उसकी बात माननी पड़ेगी सबको कि नहीं? तो ऐसे ही वहां सतयुग होता है, वहां ये भाव नहीं रहेगा क्या कि हम दास दासी हैं, जैसे राम की राजगद्दी में दिखाया जाता है, राम गद्दी पे बैठे हैं, लक्ष्मण छत्र छाया लिए खड़े हैं, छत्ता लिए खड़े हैं, भरत जी चमट पांव पखार रहे, दूसरा एक भाता पंखा हिलाए रहा है, तो क्या वो दास दासी है? हैं? ये भावना यहां से पक्की लेकर के जाते हैं क्या? जैसे यहां जो माताएं हैं शिव बाबा को अपना बच्चा समझती हैं, तो भावना बच्चे की बैठ गई तो बच्चे के मुआफिक सेवा नहीं कर सकती है? करती हैं या नहीं करती हैं? वो सेवा भी करती हैं, तो क्या दास दासी हो गई? माँ बाप दास दासी होते हैं क्या? तो जैसे दास दासी नहीं होते हैं, वो भाव काम करता है, भाव प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, भावना के आधार पर ये सृष्टि रची जाती है। तो सतयुग में वहां कोई दास दासी होने की बात नहीं है। हाँ, यहाँ संगम युग में आप देखेंगे जो अभी विरोध कर रहे हैं, जो अभी दे करके वापस ले रहे हैं, जो अभी सरेंडर कर देते हैं कन्या को फिर वापस लेकर चले जाते हैं, वो फिर चांडाल बनेंगे देखने में आ गया। हाँ, ये चांडाल बन रहे हैं, दास दासी बन रहे हैं, राज परिवार के ही दास दासी नहीं, प्रजावर्ग के भी दास दासी बन पड़ेंगे, थर्ड क्लास प्रजा में दास दासी बन पड़ेंगे, अब वो देखने में आएगा। ये संगम युग की बातें हैं, शूटिंग पीरियड की। बाकी सतयुग में कोई ऐसे दास दासी होने की भावना ही बुद्धि में नहीं आएगी। और तो आप जो मूवी बोलते हैं पढ़ते हैं वो लिखना ठीक है कि नहीं? लिख करके दोबारा अगर पढ़ते हैं तो ठीक है, लिख करके रख देते हैं और फिर कभी देखा ही नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं। किन पर पृथ्वी बोला है? किन पर पृथ्वी मुझे आया है क्या? तीन पैर पृथ्वी। हाँ, तो उसका अध्याय में क्या होता है मालूम नहीं। पांडवों को तीन पैर पृथ्वी नहीं मिली, तो तीन पैर पृथ्वी पांडवों को अभी नहीं मिल रही है क्या? मिल रही है कि नहीं मिल रही है? अरे कोई परमानेंट ऐसा कोई ब्राह्मण है जिसको तीन पैर पृथ्वी सोने के लिए न मिल रही हो? है? सबको मिल रही है? है? सबको मिल रही है? नहीं, नहीं मिल रही? किसको नहीं मिल रही? हाँ, क्योंकि सारी दुनिया का बीज किस में समाया हुआ है? एक प्रजापिता ने सारी दुनिया का बीज समाया हुआ है, सब मनुष्य मात्र का। तो पहले पांच पांडव की शूटिंग देखने में आवेगी प्रैक्टिकल, या पहले एक की शूटिंग प्रैक्टिकल देखने में आवेगी? तो जो एक की शूटिंग है वो अभी चल रही है, उसमें देखा जा सकता है। ऐसी दुनिया की कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो। वो कौन है? प्रजापिता वाली आत्मा, उसको तीन पर पृथ्वी नहीं मिल रही परमानेंट। कोई जिम्मा लेता हो तो बताए। वो भी नहीं लेगा कोई, क्योंकि आज जिम्मा लेगा और छह महीने के बाद ब्रह्मा कुमारियों को पता लग जाएगा कि ये यहाँ रह रहा है इनके यहाँ, और ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देंगे। बस भैया, बस हम इतनी सेवा कर सकते हैं बस। और पार्वती को शंकर जी के पीछे बोलते हैं और गौरी को आगे बोलते हैं। पार्वती के साथ शंकर जी बोलते हैं शंकर पार्वती, और गौरी के साथ गौरी शंकर बोलते हैं। जब गौरी बन जाएगी तो गौरी को आगे करेंगे या शंकर जी को विष पीने वाले को आगे करेंगे? शंकर जी तो भगवान है।
भगवान का रूप है ना शंकर जी। हाँ शंकर जी एक जगह भगवान के रूप है, जब भगवान प्रवेश है तब, और जब भगवान प्रवेश नहीं संपन्न आत्मा बन जाती है, गोरा बन जाता है, बनता है कि नहीं? जब गोरा बन जाता है तो किसके कारण गोरा बना? गौरी, गुरु कौन? गौरी। तो गौरी को आगे रखना पड़ेगा नहीं? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया दिखा। तो शंकर जी की गुरु कौन हुई? जो विष पीना छुड़ाए दे, गौरी हुई। तो गौरी को वहां आगे रख दिया है, उसको कहते हैं गौरी शंकर। फिर कहते हैं पार्वती शंकर, शंकर पार्वती। तो शंकर नाम आगे रख देते हैं, जहां नाम आगे रखते हैं वहां ये समझा जाता है कि शंकर नंबर वन नहीं है, उसके अंदर जो प्रवेश है वो शंकर को उन्होंने भगवान समझ लिया है और पार्वती उनकी साथी है। शंकर पार्वती गौरी जब गौरी बन गई तब पार्वती ने पार्वती पार लगाने का काम किया तब। तो पार लगाने का काम पहले होता है या गौरी बनने का काम पहले होता है? अच्छा नहीं, पहले नहीं बन सकती जब तक ज्ञान न ले पूरा, लेकिन पवित्रता की पढ़ाई पढ़ा सकती है। अभी भी कन्याएं माताएं पवित्रता का पढ़ाई पढ़ा रही हैं घर परिवार वालों को, पुरुष नहीं पढ़ा रहे हैं। गौरी और पार्वती अलग पात्र हुए हैं ना? बता दीजिए, गौरी का कनेक्शन है गोरेपन से। गोरापन जो है वो संपूर्णता की निशानी है या अधूरेपन की निशानी है? तो जब संपूर्ण हो गए तो गौरी शंकर, अधूरे हैं तो शंकर पार्वती, क्योंकि अधूरे में ही शिव प्रवेश करेगा या संपूर्ण में शिव प्रवेश करेगा? तो शंकर है, मिक्स है, असंपन्न है, उसमें शंकर कहा जाता है। राधा के साथ कृष्ण का नाम लिया जाता है, राधा का नाम पहले, कृष्ण का नाम बाद में, सीता का नाम पहले, राम का नाम बाद में, लक्ष्मी का नाम पहले, नारायण का नाम बाद में। तो ये इनका कारण है, क्यों है ऐसा? क्योंकि स्त्री माता को जब तक गुरु नहीं बनाया है तब तक उद्धार नहीं हो सकता, इसलिए आगे रखा है।